वेलकम टू ऑल ऑफ, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। आप मेरे सामने देख सकते हैं प्यारा सा स्कूटर खड़ा हुआ है, जो कि इंडिया का मनपसंद स्कूटर है। चले कैसा भी चले, लेकिन TVS है, नाम बहुत अच्छा है और साथ में कंफर्ट वगैरह भी सब कुछ अच्छा माना जाता है। लेकिन रियल पता कब लगता है? जब कस्टमर से रिव्यू लिया जाता है। तो हमारे साथ हैं विकास जी, आइए सर। तो विकास जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सर, आपने ये TVS स्कूटर लिया है, हमें आज आपसे इसके बारे में सारी डिटेल लेनी है। तो हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इन्हें जो भी है सच्चाई बताना, क्योंकि ना तो हमें किसी कंपनी से पैसा मिलना, ना हमें कोई कंपनी दे सकती। हमारा यूट्यूब चैनल पे मकसद क्या है वीडियो बनाने का, ये है कि रियलिटी दिखा सके किस स्कूटर की क्या हकीकत है। पहले आपने देखा था हम ओला की वीडियो बना रहे थे, हमने इसके पॉजिटिव्स भी बताए थे, आप निगेटिव निकल के आ रहे हैं तो निगेटिव बता रहे हैं, तो सब कुछ रहेगा। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सर ये सजेशन पूछना चाहूंगा, तो आपने TVS पे अफोर्ड कैसे, मतलब TVS का एक जो स्कूटर है सबसे महंगा भी है, मतलब और कंपनी के मुकाबले महंगा भी है और अच्छा देखने में कंफर्ट है लग रहा है, तो आप TVS पे कैसे गए? देखिए सर, एक तो मैंने TVS का स्कूटर इसलिए लिया था कि भाई मैंने आपका ओला भी चलाया था। जी बिल्कुल। तो ओला में मुझे लग रहा था कि कहीं से एक कंफर्ट नहीं है, कंफर्ट मुझे नहीं लगा। फिर दूसरा, इसका जो मान लो सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो सर्विस एक्सपीरियंस, हाँ ये इन्होंने सही बात कही, सर्विस एक्सपीरियंस देखो ओला का बिल्कुल ही बेकार है। और सर मैंने जब लिया है तो बहुत ज्यादा डिसाइड करके और सोच समझ के तब लिया है मैंने। अच्छा, तो सर आपने ये कितने का लिया और इसका बैटरी पैक क्या है, मतलब बैटरी इसकी कितने किलोवाट की है या रेंज क्या है इसकी, ये बताइएगा सर। ये 2.2 है, 2.2 किलोवाट, हाँ जी। और इसकी जो रेंज है किलोमीटर की वो 75 किलोमीटर की, 75 किलोमीटर है। आपने लेने से पहले ये नहीं सोचा कि कम है या कितना, मतलब कितना ट्रैवलिंग करते हो इससे आप? देखिए सर, मैंने ये एक्चुअली क्या है, मैंने अपने बच्चों के लिए लिया है कि जैसे कि स्कूल छोड़ के आने के लिए, स्कूल से लाने के लिए, फैमिली स्कूटर, फैमिली स्कूटर। दूसरा, मैं मोदी नगर में रहता हूँ, एक मोदी नगर के पास में गांव है, वहां से हूँ मैं। तो सर मेरे यहाँ से मोदी नगर 3-4 किलोमीटर पड़ता है, तो दिन में अगर 10 चक्कर भी लग गए तो जब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोदी नगर से बाहर, मतलब आपने लोकल के लिए लिया है, लोकल बस के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं इससे बाहर। आप मुझे एक चीज ये बताइए कि आप TVS पे ही क्यों गए, मतलब एथर भी है, ओला भी है, चलो है ओला की तो आपने सर्विस का मान लिया, एथर भी है और ओकिनावा हुआ और कंपनी भी है, मतलब जो अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं। देखिए सर, ओकिनावा की जैसे मैं बात करूं तो वो स्कूटी जो है बिल्कुल सिंपल है, नॉन ब्रांडेड सी, एक तरह से एक नॉन ब्रांडेड सी है, कि जैसे कि बजाज चेतक भी है, कि भाई बैटरी भी उसमें लेड एसिड बैटरी है और वो डायरेक्ट ही उसमें लिथियम में भी आती है, लिथियम में भी आती वो है। मैंने देखी नहीं थी चाचा, लेकिन वो मुझे बड़ी हल्की सी भी लगी थी। इसमें अगर वेट की बात करें तो वेट भी ठीक ठाक है, एक क्विंटल 16 किलो के आसपास है इसमें वेट। चलाने में आपको कैसा लगा सर? चलाने में तो बहुत ज्यादा कम्फर्ट है, एक नंबर है। मैं अगर ओला का कंपेरिजन करूँ इससे कम्फर्ट में, तो कंफर्ट में ये ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, अच्छा ये बताइए सर, आपको ये पड़ी कितने की है, मतलब प्राइस आपने पैसा कितना पे करा, कैश लिए आपने, डाउन पेमेंट पे ली, या आपको कितने जमा वमा करने पड़े, सारी चीज बताइए सर। देखिए मैंने ये बिल्कुल कैश ली है, कैश ली है, कितने की पड़ी है? 21,800 कुछ के आसपास समथिंग मुझे पड़ी है, एक्चुअल मुझे रेट पता नहीं है। 21,000, 1,21,000, हाँ जी हाँ जी, 1,21,000 की इन्होंने कैश ली है, ऑन रोड प्राइस है। जी जी हाँ, ये जो इनका प्राइस है ना, ये गाजियाबाद मोदी नगर का प्राइस है, ठीक है, आपकी सिटी में डिफरेंट प्राइस हो सकता है। उसमें एक चीज और भी है कि इसमें 12,300 का कैश बैक भी आएगा, मतलब फाइनली आपको कितने की पड़ी आकर के, और कैश वैस सब चीज कंप्लीट सब चीज करके। इसमें दो चीज मेरे को बताइए, 12,300 का कैश बैक और 5,000 की सब्सिडी, तो वही हिसाब लगा था, 1,05,000 के आसपास, 1,05,000 की आपके स्कूटर ये घर पे आ गया है। जी जी। इसमें गारंटी वारंटी का क्या सीन है? गारंटी का सर इसमें 3 साल की मेरे को गारंटी दी है। 3 साल की किस चीज की है? टोटल लिखित में लिया, चार्जर बिल्कुल लिखित में, बिल पे लिख के दिया है मुझे पूरा टोटल, ठीक है कि भाई चार्जर से लेके और टोटल A to Z पूरी। तो दोस्तों ये चीज सही है, इन्होंने पहले ही लिखित में लिया है, 3 साल पूरे सेट की कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है गारंटी है, मतलब इसके अंदर जो भी ब्रेक पैड्स हुए, मेंटेनेंस वाली सारी चीजों का भी है ना, 3 साल है ना, 3 साल में गारंटी का है इनका। तो आपका सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस मतलब कहाँ पर है, सर्विस सेंटर कहाँ पर सर? इसका सर्विस सेंटर गाजियाबाद में है, तो मैंने वहीं से ही परचेज की है गाजियाबाद से। अच्छा अच्छा, और अभी तो इसका नंबर भी नहीं आया। आपको कितने दिन हो गए चलाते सर? लगभग 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए, अच्छा। आपको ये बताइए चलाने में कोई निगेटिविटी पॉइंट लगाओ, जो भी आपको लगाओ हमें बताएं निगेटिव पॉइंट। सर मुझे इसमें जो है अभी तक तो कोई निगेटिविटी, मतलब कोई भी आपने,
पेट्रोल व्हीकल वाला जैसे। हाँ, मुझे एक इसमें एक दिक्कत एक लगी है जो मुझे बिल्कुल बताइएगा सर, कि जैसे कि मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ सामने से जी, तो मैं कंपनी वालों से कहना चाहूंगा कि जैसे दिन के टाइम इसमें कोई इस तरह का कुछ लगाना चाहिए था कि ये वाली लाइट ऑन ना हो, बाकी ये DRL क्या बोलते हैं इसको, ये वाली ऑन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली ना, क्योंकि इसमें बैटरी कंज्यूम होती है। हाँ, देखो यहाँ से बंद भी है, अब अगर मैं लाइट की बात करूँ, देखो अब जला रहा हूँ मैं, ठीक है, लो भी में। लेकिन जल तो रही है, जल रही है, कंटिन्यू जल रही है, ये गलत है, मतलब कहीं ना कहीं पावर का कंजप्शन हो सकता है। तो हो सकता है अगर इसको जो है लाइट अगर ये बंद होती तो थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर का और फर्क पड़ता शायद, कहीं ना कहीं जरूर पड़ता, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी, या फिर इसमें एक ऐसी चीज लगाते हैं कि भाई कि दिन में ऑटोमेटिकली अपना बंद हो जाए, ठीक है, या रात में अपना ऑटोमेटिकली जल जाए। बाकी और कोई नेगेटिव पॉइंट्स हो आप जो? सर अभी तो फिलहाल मुझे कोई नहीं लगा, लेकिन आगे वीडियो में हम बताते रहेंगे कोई नेगेटिव पॉइंट आएगा तो। अच्छा, बॉडी पैनल में आपको कैसी लगी? सर मजबूत, बहुत ज्यादा मजबूत है। अच्छा, बहुत मजबूत है, मतलब ये सारा प्लास्टिक वगैरह है ना? ये फाइबर है सर। अच्छा, फाइबर में, मतलब मेटल में नहीं है बस, है ना? नहीं नहीं, मेटल में नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज जो आप देख सकते हैं जैसा ओला में है ना, सारी चीज फाइबर टाइप में है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे दिया हुआ है, ये भी फाइबर में है ना? जी जी, ये शायद कंपनी को लोहे में देना चाहिए था, मेरा मानना तो ये है ये लोहे में देना चाहिए था। और ये इस तरह का है, मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। हाँ, और ये चीजें भी अगर देनी चाहिए जैसे TVS मतलब अपने जुपिटर में करके देती है ना, वो शायद इसके अंदर दे सकती है, पर लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो अलॉय व्हील आप देख सकते हैं ग्रैंड एडिशन में आता है, ये वाला जो अलॉय व्हील आता है, ये अलॉय व्हील ग्रैंड एडिशन में मिलता है, तो इन्होंने नॉर्मल उसमें दे दिया। एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगा जी, बताइए, बूट स्पेस दिखाइए, बहुत ज्यादा लगा, बहुत बढ़िया है, सही है, बूट स्पेस काफी है। कितने लीटर का बूट स्पेस? 30 लीटर का है। 30 लीटर का काफी है, यानी कि यहाँ पे सिंगल हेलमेट दो आ सकते हैं, इसमें से अपना वो चार्ज भी कर सकते हैं मोबाइल वगैरह, चार्जिंग यहाँ कर सकते हैं। और इसकी बात करते हैं, ये कुछ एसीएम वगैरह का कोई वो है जी, यहाँ से लॉक और ये अनलॉक के लिए है, ये इसमें एसीएम वगैरह का कुछ वो करते हैं जैसे कि कोई सर्विस वगैरह के लिए है ना? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ये दूसरा इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, काफी अच्छा दिया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसमें एक वो GPS का सिस्टम भी है। अच्छा अच्छा, जैसे कि मान लो स्कूटी कहाँ खड़ी है देखना है हमें, तो वो सिस्टम भी इसमें है, तो वो कंप्लीट आ चुका है, वो अभी नहीं आया सर, वो बोल, मैंने पूछा था उनसे ये कब चलेगा, तो सर वो बोल रहे थे इसके लिए कि ये जब इसका रजिस्ट्रेशन, तो देख सकते हैं दोस्तों, पहले तो यहाँ पे देखिए इसकी की जो है काफी अच्छी प्रीमियम की दी हुई है, और ये की जो है आप इधर से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मतलब नॉर्मल एक बाइक में होता है बिल्कुल ऐसा ही है, आप जाइएगा यहाँ से और यहाँ पे ऑन है नॉर्मल, ठीक है, मतलब ऑफ है, यहाँ पे लॉक है, हैंडल लॉक आप देख सकते हैं, यहाँ पुश करके लॉक कर देना, हैंडल लॉक है, उसके बाद अपना हल्का सा पुश करके ऑन, मतलब ऑफ कंडीशन में रहेगी लेकिन हैंडल अनलॉक हो जाएगा, फिर यहाँ से डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, ऑन हो तो ऑन होते हैं, यहाँ पे TVS की बैचिंग आएगी और एक iQube की डिस्प्ले आप बन कर, मतलब जैसे एंटॉर्क में डिस्प्ले है बिल्कुल ऐसी डिस्प्ले इसमें दे रखी है, और यहाँ पे बैटरी की परसेंटेज दिखा रहा है, परसेंटेज के साथ यहाँ पे बता रहा है कि आपकी मतलब कितनी चल जाएगी, ठीक है, और ये स्टार्टिंग के लिए बता रहा है कि, और देखिए जब तक स्टैंड पे लगी हुई है शायद ये स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मतलब कितना इसका क्विक रेस्पॉन्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टैंड ओपन करना है और ये वाला ब्रेक दबा के बस ये बटन रिलीज करना है 3 सेकंड के लिए, और यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं कुछ इसका नॉर्मल में इंटरफेस यहाँ पे ऑडियो इस तरह से है, यहाँ पर अपनी बैटरी का लेवल दिखाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, टच है क्या, कुछ नहीं, टच नहीं है, ठीक है, नॉर्मल। तो यहाँ पे ब्लूटूथ का सिंबल दिखा रहा है, नेटवर्क दिखा रहा है, बैटरी दिखा रहा है, SMS और कॉल्स दिखा रहा है, शायद आने वाले समय में जब ये अपडेट हो तो काफी अच्छा दिखा। नहीं सर, नहीं नहीं, वो तब नहीं है, ये RC आने के बाद में जब नंबर आ जाएगा तो ऑन हो जाएगा ना, ऑन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ पे टाइम डेट वगैरह दिखा रहा है, और ये रीजन वगैरह मोड, इसमें शायद दो है, दो मोड है। हाँ, पावर में कितनी चली जाती है सर? पावर में सर 98 तक चली जाती है, 98 तक, और इको में 78 अच्छा, जितनी कंपनी ने क्लेम किया उतनी रेंज आप बिल्कुल निकल पा रहे हैं, बिल्कुल 75 की मुझे किया है तो 75 ही चलती है, तो ये चीज काफी अच्छी है, कंपनी ने जितना बचाया उतना चला पाया। अब हम ये देखते हैं जितना हम पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले इसमें चलाने में वो चीज रहती है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से लॉक किया, हम चाबी लेकर के आए और हमें देखा हमें कितना टाइम लगता है, हमने चाबी लगाई स्टार्ट किया तो शायद हमें यहाँ से चल सकता है स्कूटर, नहीं 1-2 सेकंड का टाइम, 4-5 सेकंड का टाइम लगता है। अच्छा, हमें दबा के रखना है, बिल्कुल, देखते हैं और एक बार ट्राई करते हैं फिर से, देखो यहाँ से स्टार्ट किया, लॉक दबा के रखना है, हाँ जब देखो स्टार्ट हो गया है, मतलब अपना वेलकम आने से पहले भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कहीं इमरजेंसी में निकलना हो एकदम से अड़ी भीड़ में, आइए
लॉक खोलिए, ब्रेक दबा करके रखिए, मोड वाला बटन दबाइए, स्टार्ट। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम आने से पहले ही अपना स्कूटर स्टार्ट हो गया, मतलब फास्ट स्टार्ट काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सर को ये चीज़ शायद को सर को भी नहीं पता, नहीं मुझे भी ज़्यादा कुछ पता भी नहीं। तो ये वेलकम में हमने चेक किया, वेलकम आने मतलब स्कूटर स्टार्ट होने से पहले ही आप चाबी दबाइए, बस चाबी दबाते ही ब्रेक दबा के ये बटन दबा के रखिए, स्टार्ट आपके स्कूटर हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो सर मुझे एक चीज़ और इसमें बड़ी अच्छी लगी कि रात के समय जैसे डिस्प्ले आँखों में चुभती है ना, तो इसमें कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर वो अंधेरा हो जाएगा ना तो डिस्प्ले बिल्कुल सेंसर है, प्रो मैक्स सेंसर है, तो वो बिल्कुल। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है सर का अभी आई क्यूब के लिए काफी अच्छा है जी। अभी कितने किलोमीटर आप चला चुके हैं? सर ये लगभग 300 किलोमीटर के आसपास चल चुका है मुझे लग रहा है, एक बार देख। जब तक स्टैंड ओपन नहीं करेंगे जब तक शायद इसका इंटरफेस नहीं आएगा। 310 किलोमीटर के आसपास, 310 किलोमीटर उन्होंने टोटल चला दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि इसमें कोई 1000 किलोमीटर पे या 2000 किलोमीटर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस इनका काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक का, क्योंकि इन्होंने अदर स्कूटर चलाए हैं। तो सर फाइनल आप मतलब हमारे जो कस्टमर हैं, अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे आई क्यूब के लिए? सर मैं तो ये कहूँगा कि भाई सर्विस के हिसाब से, जैसे कि सर्विस अच्छी है। सर आपने सर्विस वगैरह लीज की कभी अभी तक? नहीं अभी सर नहीं, अभी सर्विस नहीं है। तो अपना फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस अपने हमारे जो दर्शक हैं उनमें जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट। सर मैंने पहले सबसे पहले शोरूम पर जाके यही कहा था कि सर सर्विस, कह रहे कि एक बार आप देखना, कभी स्कूटर आपका ख़राब भी हो जाएगा तो एक बार कॉल कर देना, हम वहीं आके ठीक करेंगे, और नहीं तो अपने आप लेके जाएंगे। तो उन्होंने सर्विस का टाइम कब दिया है? तो 6 महीने, 6 महीने बाद आना है, तो आपको अप्रोक्स 1 महीना हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो 6 महीने बाद उसमें किलोमीटर का कोई मैटर नहीं है, या 6 महीने का है? नहीं किलोमीटर का मैटर नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जो है ना भैया कह रहे हैं कि 6 महीने, ठीक है 6 महीने बोले सर, बीच में भी उन्होंने बोल दिया अगर कोई दिक्कत परेशानी अगर लगे तो आप लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो स्कूटर में कोई अगर ऐसी दिक्कत आ जाए कि आप ला नहीं सकते तो एक बार आप कॉल कर दीजिएगा, तो हम अपने आप पिक कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो फर्स्ट सर्विस होगी या जो भी सर्विस होगी, मतलब सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस हम आपके बीच में ज़रूर शेयर करेंगे, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आई क्यूब से रिलेटेड। और एक्सपीरियंस में मतलब वहाँ पे क्या बिहेवियर होता है और क्या मेंटेनेंस है, क्या कॉस्ट आती है, क्या चार्ज वो लेंगे और कैसे कैसे सर्विस होती है फर्स्ट, वो हमको आपको वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यही चीज़ हम बताएंगे ज़रूर। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे दिए हुए रेड बटन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।